देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से #GST के साथ लिखा, जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोगों को बचाने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने लिखा था कि सेंट्रल विस्टा क्रिमिनल वेस्टेज है, लोगों को बचाने पर ध्यान दीजिए, ना कि एक नया घर पाने के लिए अपने अंधे अहंकार पर। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसीलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूं। लेकिन पीएम की नाकामी और केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रहे हैं। बता दें कि कोरोना के कारण देश भर में बीते 24 घंटों में 4,187 लोगों की मौत हुई है। अभी तक एक दिन में कोरोना के कारण हुई ये सबसे अधिक मौतें हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 4 लाख से अधिक नए कोरोना रोगी भी सामने आए हैं। इसी दौरान 3,18,609 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं।